स्वयं का भविष्य जानने में हर मनुष्य को रुचि होती है। हर कोई अपने भविष्य में क्या होने वाला है ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होता है। भारतीय संस्कृति में भविष्य देखने के लिए कुछ विधियां बताई गई हैं और इन विधियों का वर्णन समुद्र शास्त्र में किया गया है। विष्णु पुराण में वर्णित कथा के अनुसार ये शास्त्र माँ लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी को सुनाया था और समुद्र देवता ने उसे सुनकर इस शास्त्र का ज्ञान ऋषि मुनियों को दिया। इसी कारण से इसे सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। हाथों की रेखाएं, हथेली पर बने पर्वत, नाखूनों की बनावट, शरीर के विभिन्न अंगों पर बने चिन्ह एवं शरीर के अंगों की बनावट इत्यादि विषयों पर इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के तिल और निशानों का भी बहुत महत्व होता है। इसी तरह हाथों में विभिन्न रेखाओं जैसे भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, हरिद्य रेखा, मणिबंध रेखा इत्यादि रेखाओं के अलावा विभिन्न चिन्हों जैसे शंख, चक्र, मंदिर, स्वास्तिक, त्रिशूल, ध्वज, पर्वत आदि के अध्ययन से मनुष्य के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के साथ साथ मनुष्य का स्वभाव और व्यक्ति तत्व का भी पता चलता है। यहाँ तक कि उंगलियों और हथेलियों की लंबाई, इनका रंग तथा नाखूनों पर पाए जाने वाले चिन्हों से भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और भविष्य का पता चलता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारे नाखूनों पर बने चिन्ह हमारे स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं और महत्वपूर्ण संकेत भी देते हैं। साथ ही इनसे हमारे भविष्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए जान लेते हैं हमारे नाखून हमें कौन से संकेत देते हैं। सबसे पहली बात, जिन परिवारों में हृदय रोग की प्रवृत्ति होती है उनके सभी सदस्यों के नाखून के आकार बहुत छोटे होते हैं। दूसरी बात, यदि नाखून अपने मूल स्थान पर पतले और चपटे हों और उनमें चंद्र का आकार बिल्कुल ना हो तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि जातक के हृदय की क्रियाशीलता निर्बल है, अर्थात वो हृदय रोग से पीड़ित है। तीसरी बात, यदि नाखून में चंद्र बड़े हों तो रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। यदि छोटे नाखून अपने मूल स्थान पर बहुत चपटे और धसे हुए हों तो स्नायु मंडल के रोग होते हैं, यानी लिगामेंट्स की प्रॉब्लम हो जाती हैं। चौथी बात, यदि बहुत छोटे चपटे नाखून किनारों पर मुड़ने अथवा उठने लगते हैं तो उसे पाक्षात रोग की चेतावनी मानी जाती है, यानी कि लकवा मारने की बीमारी की आशंका होती है। पांचवी बात, लंबे नाखून वालों में शरीर के ऊपरी भाग जैसे कि छाती और सिर के रोग होने की संभावना होती है। छठी बात, पतले नाखून यदि छोटे हों तो वे निर्बल स्वास्थ्य के शोधक होते हैं। यदि नाखून छोटे और चौड़े हों तो जातक में अपमान करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी भी आलोचना करने में संकोच नहीं करते। यदि नाखून की चौड़ाई लंबाई से ज्यादा हो तो जातक अत्यंत कलह प्रिय अधार्थ झगड़ालु होता है और बात बात पर झगड़ा करने वाला होता है। यदि किसी व्यक्ति को नाखून चबाने की आदत हो तो ये समझना चाहिए कि वो व्यक्ति उदास हो रहा है या उसका नर्वस सिस्टम खराब है। जिनके नाखूनों में पीलापन होता है अथवा शीघ्र टूटने वाले होते हैं तो वे लोग नामर्द होते हैं। जिनके नाखून टेढ़े और रेखायुक्त हो वे दरिद्र बनते हैं। जिनके नाखून बहुत छोटे हों तो ऐसे लोग दरदरी बनते हैं। आइए जानते हैं नाखूनों पर बने निशान हमारे बारे में क्या कहते हैं। पहली बात, काले धब्बे। जब नाखूनों पर काले धब्बे दिखाई देने लग जाएं, तब ये समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के रक्त में दूषितता आ गई है। शीघ्र ही ऐसा व्यक्ति चेचक, मलेरिया, बुखार ऐसी ही किसी रक्त से संबंधित बीमारी से पीड़ित होने वाला है। दूसरी बात, सफेद धब्बे। नाखूनों पर सफेद धब्बे रक्त गतिरोध को सूचित करते हैं। तर्जनी उंगली पर अर्धचंद बनता है तो शीघ्र ही नौकरी में अथवा राज्य सेवा में उन्नति मिलती है। मध्यमा उंगली पर अर्धचंद बनता है तो आकस्मिक धन का लाभ अथवा कोई शुभ समाचार मिलता है। अगर अनामिका उंगली पर अर्धचंद दिखाई दे तो सम्मान में वृद्धि होती है, प्रतिष्ठा एवं समाज में आदर बढ़ता है। कनिष्ठिका उंगली पर अर्धचंद बने तो व्यापारिक कार्य से लाभ होता है। अंगूठे के नाखून की जड़ में यदि अर्धचंद बनी है तो समस्त प्रकार की उन्नति होती है। ऐसा व्यक्ति समाज में मान सम्मान, धन एवं कृति पाता है। यदि अंगूठे पर सफेद धब्बे दिखाई दें तो वह प्रेम का सूचक है।
जल्द ही उसके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिसे अपने मन से प्रेम करेगा। अंगूठे पर काला धब्बा निकट भविष्य में होने वाले अपराध की सूचना देता है। तर्जनी उंगली पर काला धब्बा आर्थिक हानि का संकेत देता है और सफेद धब्बा व्यापार लाभ का सूचक होता है। मध्यमा उंगली के नाखून पर सफेद धब्बा दिखाई दे तो शीघ्र ही यात्रा का योग बनता है, जबकि काला धब्बा परिवार के किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु का संकेत देता है। अनामिका नाखून पर काला धब्बा दिखाई दे तो शीघ्र ही समाज में अपयश मिलता है। इसके विपरीत यदि सफेद धब्बे दिखाई दे तो उस व्यक्ति को शीघ्र ही सम्मान धन तथा यश मिलने का योग बनता है। कनिष्ठा उंगली के नाखून पर सफेद धब्बा अपने लक्ष्य में सफलता का सूचक होता है, जबकि काला धब्बा असफलता का सूचक बनता है। किसी भी उंगली पर पीले धब्बे दिखाई देने लगे तो व्यक्ति की मृत्यु निकट भविष्य में होने वाली है, ऐसा समझना चाहिए। उंगली पर या सभी उंगलियों पर लाल चित्ते या लाल धब्बे दिखाई दे तो उस व्यक्ति की हत्या होने के संकेत हैं। तो इस प्रकार से हमारे सामुद्रिक शास्त्र में नाखूनों पर बने निशानों के आधार पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसी तरह से दोस्तों, समुद्र शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के लक्षणों के आधार पर भी जाना जा सकता है कि व्यक्ति भाग्यशाली है या नहीं। दोस्तों, हर महिला की अपनी एक खासियत होती है। उसका कौन सा लक्षण किस पुरुष के लिए बेहतर या भाग्य बदलने वाला होगा, इस सवाल के जवाब भी समुद्रिक शास्त्र में है। इसमें महिलाओं के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक की स्थिति और उसका फल बताया गया है। आइए आपको भी बताते हैं कि महिलाओं के कौन से बड़े अंग पति और परिवार के भाग्य को बदलने वाले और शुभ कारक होते हैं। नंबर एक, लंबे और बड़े बाल। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। भगवती देवी का कोई भी चित्र या प्रतिमा देखें तो पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। नंबर दो, लंबी गर्दन। समुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। ज्योतिषार्य के अनुसार जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वे ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते पति को कभी पैसे की कमी नहीं होती। नंबर तीन, मांसल और पुष्ट जंघाएं। मांसल और पुष्ट जंघाएं भी सौभाग्य का प्रतीक है। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की जंघाएं पुष्ट व मांसल होती हैं वे भाग्यशाली होती हैं। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। पतली व विकृत जंघाओं वाली स्त्रियां शास्त्रों में अच्छा नहीं मानी जाती। नंबर चार, बड़ी आंखें। बड़ी आंखें महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक होती हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार गरुण पुराण में लिखा है कि बड़ी आंखों वाली महिलाएं विदुषी, विवेकशील और बेहद समझदार होती हैं। ये पूरे परिवार के लिए शुभ होती हैं और विपत्ति आने पर अपनी सूझबूझ से परिवार को संभाल लेती हैं। इनके रहते घर में धन की कमी नहीं होती। नंबर पाँच, लंबी नाक। सामान्य से कुछ लंबी नाक वाली महिलाएं गंभीर और शांत स्वभाव की होती हैं। ये हर विपत्ति का सामना करने में सक्षम होती हैं। इनके कारण पूरा परिवार सुरक्षित होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।